here I am today with the next video of spoken English. Hope you are practicing well and have started speaking fluently. Okay? तो आज जैसे हर वीक में हमारा फॉर्मूला होता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. सो आशा करते हैं कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो आज कुछ आगे बढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहले आज की वीडियो को भी हम 3-4 पोर्शंस में बांट देते हैं, 3-4 डिफरेंट सेक्शंस में बांट देते हैं. ओके, सो फर्स्ट वी विल टेक द ईडियम्स. ईडियम्स आई थिंक लास्ट क्लास में मैंने बताया था मुहावरे. ओके, ईडियम्स स्टार्टिंग विद बी वाई बाय. ओके, कुछ कुछ मुहावरे है जो बाय से बाय लगा हुआ रहता साथ में. एग्जाम्पल बाय हार्ट. ओके, बाय हैंड. अभी हम मीनिंग बताते हैं आपको. पहले 3-4 हम इडियम्स देख लेते हैं. या बाय द बुक. हमेशा ये जो वर्ड है उसके साथ में लगा हुआ, जरूरी नहीं है कि वही मीनिंग रहे इस मुहावरे का. ठीक है, मुहावरा तो वैसे ही होता है ना, कुछ डिफरेंटली. By leaps and bounds. Okay, so just it is a simple ones. बाद में आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको भी बहुत सारे ऐसे words मिलेंगे जो by से start होते हैं, जो idioms. By heart. By heart means from your memory. By heart means दिल से बोलने को नहीं बोलते English में. By heart का meaning है from memory. Okay. Please tell the answer which you remember by heart. By heart करने बोलते हैं कुछ कुछ formulas. Formulas को हम prove करने के पहले हमें याद करना पड़ता है, उसके बाद हम proof सीखते हैं. Okay? So by heart मतलब from memory. By hand का मतलब है you made it by hand. Okay? This मटीरियल लुक्स गुड विच यू मेड बाय हैंड. ठीक है, वो इसका सेम मतलब है, मतलब खुद हाथों से बनाया हुआ. ओके, बाय चांस. बाय चांस का मतलब क्या होगा? विदाउट प्लानिंग, कोई प्लानिंग के बिना अचानक से जो हो गया. ओके, ये कैन ऐसे आप सेंटेंस में फॉर्म कर सकते हैं, जैसे आई मेट यू बाय चांस. Yeah, I met my uncle yesterday by chance. अचानक, कोई प्लानिंग नहीं था अंकल से मिलने का, बट अचानक मिल लिए. ओके, अचानक हम जाके हम मिल लिए, जाके नहीं मिल लिए. ओके, बाय द बुक. बाय द बुक मीन्स रूल्स फॉलो करने का. बाय द बुक मतलब किताब का नहीं है. ओके, द वर्ड बाय द बुक का मीनिंग किताब से रिलेशन नहीं है, मीन्स जो रूल्स को फॉलो करता है. That is called as by the book. Okay, by leaps and bounds means, by leaps and bounds means बहुत अधिक. किसी के बारे में हमें बोलना बताना है कि she improved a lot by leaps and bounds. She's improved her marks by leaps and bounds. मतलब उसके marks इतने improve हो गए कि बहुत बड़े number में. ओके, बिग चेंज हो गया है. सो दैट इज कॉल्ड एज बाय लीप्स एंड बाउंस. इन दिस वे इडियम्स बाय से, बाय के साथ जुड़े हुए बहुत सारे इडियम्स है. इट इज नॉट नेसेसरी कि जो वर्ड आगे है वही है मीनिंग, बट बाय लग जाता तो मीनिंग कुछ डिफरेंट हो जाता. सो नाउ इसको बताने का रीजन क्या है? आप जब जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे स्कूल के क्लासेस में भी स्टोरीज पढ़ेंगे इंग्लिश लिटरेचर में, या मैगजीन्स आप जब पढ़ते हैं, तब आप ऐसे वर्ड्स जो है तब आप एकदम वर्ड के साथ में मीनिंग सोचोगे तो यू विल गेट रॉन्ग, आपसे गलती हो जाएगी. सो ऐसे वर्ड्स के कुछ डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं. सो दीज आर जस्ट सम सिंपल वंस विच आई एम टेलिंग यू सो दैट यू विल रिमेम्बर इट. ओके, बाय हार्ट मीन्स दैट मीन्स से फ्रॉम मेमोरी. ओके, बाय हार्ट मीन्स दिल से नहीं, फ्रॉम मेमोरी. बाय हैंड मीन्स यू हैव मेड इट बाय हैंड. ओके, बाय चांस मीन्स
by chance या by coincidence, अचानक से without planning. By the book means follow the rules. जो rules को follow करते हैं, he always goes by the book. Means वो हमेशा rules follow करता है. Okay? Then by leaps and bounds means big jump या a lot. Clear? So these are some of the common examples of idioms which starts with by, by. Okay? Next, let us come to the next section. Okay? उसमें हम ये सीखेंगे कि जो subject है sentence का agrees with verb. मैंने शुरू आपको पहले भी बताया कि we are not studying the full grammar or the grammar portion. बट हम क्या सीख रहे हैं, हम ये सब बातें हमें जानना जरूरी है ताकि हमारा जो इंग्लिश स्पीकिंग है, बोलने का जो तरीका है, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना. ठीक है? ओके. नाउ सब्जेक्ट एग्रीज विथ वर्ब, मतलब कोई भी एक सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना है. ओके, इसमें क्या है, वर्ब कौन सा है, क्रिया कौन सा है, लर्न. मुझे सीखना है, सीखना वो क्रिया है. तो उस क्रिया में, क्रिया के साथ में, क्रिया और सब्जेक्ट मेन जो दोनों में एक तालमेल जुड़ना है. ठीक है? तो वो कैसे जुड़ेगा, सिंगुलर प्लूरल, द फ्लावर्स आर इन द बास्केट. अब मैं आपको सिंपल सिंपल सेंटेंसेस, आप बोर्ड में बाद में देखिएगा, पहले सुन लीजिए मेरी बातें. द फ्लावर्स आर इन द बास्केट. फ्लावर्स आर, क्यों फ्लावर्स इज क्यों नहीं बोला, फ्लावर्स इज इन द बास्केट सही नहीं है क्या, क्यों नहीं है सही? इसलिए क्योंकि फ्लावर्स बहुत सारे हैं, प्लूरल है, प्लूरल के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब है. जस्ट वन सेंटेंस, वन सेंटेंस आता. अभी जैसे मैंने बताया, द फ्लावर्स आर इन द बास्केट. ठीक है? फ्लावर्स आर इन द बास्केट के लिए मैंने बताया कि फ्लावर इज फ्लावर होगा, तो फ्लावर इज इन द बास्केट होगा. फ्लावर्स आर इन द बास्केट. ओके, अभी हम इस सेंटेंस पे फोकस करेंगे. ठीक है? देखिए, फ्लावर्स आर या आर केप्ट इन द बास्केट लिख लीजिए, आपको और क्लियर हो जाएगा. तब ये फ्लावर्स आर केप्ट, इसमें क्रिया कौन सा है, वर्ब कौन सा है, केप्ट. इस केप्ट के साथ में एक हेल्पिंग, ऐसे बोलने से सही नहीं है फ्लावर्स केप्ट इन द बास्केट. हम कई बार बोलते हैं, बट दैट इज नॉट राइट. है ना? क्या होगा, एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, एक हेल्पिंग वर्ड चाहिए. इज आर ऐसे, इज सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ. प्लूरल सिंगुलर तो सबको मालूम है, एक वचन बहुवचन. सिंगुलर मीन्स एक, प्लूरल मीन्स बहुवचन. ओके, नाउ फ्लावर्स आर केप्ट इन द बास्केट. मैं ये बोल रही थी कि यदि फ्लावर आर के बदले यदि हम इज लिखेंगे तो ये गलत क्यों है, क्यों गलत है? बिकॉज फ्लावर्स प्लूरल है, तो इसके साथ हमें प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ड रखना है. क्लियर? ना जस्ट लुक एट द बोर्ड, और आपको बोर्ड क्लियर नहीं है तो भी मैं रीड कर रही हूं, आप ध्यान से सुनिए. ठीक है? और कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो सिंगुलर, जिसके साथ सिंगुलर लगता है, जैसे ईज लग रहा है. ठीक है? इन सब में ईज लगेगा. प्लूरल के साथ में आर वर्ड. कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिस जो सिंगुलर फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं. क्लियर? नाउ फर्स्ट हम सिंगुलर फॉर्म्स को देखते हैं. एवरीबॉडी इज लिसनिंग. एवरीबॉडी, एवरीबॉडी मीन्स एक एक को हम लेके बोल रहे हैं, इसलिए उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज, हेल्पिंग वर्ब यूज होगा इज. एवरीवन इज, आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, एवरीबॉडी इज, एवरीवन is, everything is, anybody is, nobody is, each flower is beautiful.
each flower, pratyek flower beautiful hai. Okay. Every we have already mentioned all the three. Everybody, everyone, everything. Okay. Yeah, every book is interesting in the library. Anything, all this. These are singular. ठीक है, जिसमें सब इज लगेगा. नेक्स्ट कम टू द प्लूरल. प्लूरल के साथ में आर. बोथ आर लिसनिंग टू मी. ओके, सेवरल मेन आर स्टैंडिंग इन ए क्यू. सेवरल मतलब बहुत सारे. फ्यू स्टूडेंट्स आर रोमिंग अराउंड. रोमिंग अराउंड मतलब उधर इधर घूम रहे हैं. ओके, many people are going to the market. कभी भी आपको एक वर्ड मिलता है, अब आप इतने सारे सेक्शंस वीडियो सेशंस हमारे हो गए हैं, सो नाउ आई होप यू हैव स्टार्टेड फॉर्मिंग सेंटेंसेस. में आशा करती हूँ कि आप लोग सेंटेंसेस फॉर्म करना स्टार्ट कर दिए होंगे, है ना. अभी आप मेरे सामने होते तो मैं आपसे दो तीन सेंटेंसेस जरूर पूछ लेती हूँ. होप कि मैं जब रीड कर रही हूँ आप भी मेरे साथ रीड कर रहे हैं, बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं. गुड. ओके, मैनी पीपल आर गोइंग टू द मार्केट. ओके, दैट आई सेड ऑलरेडी. अदर्स आर गॉसिपिंग या अदर्स आर स्टैंडिंग एंड टॉकिंग. सो जैसे एक वर्ड मिलता है, ट्राई टू फॉर्म अ सेंटेंस. दैट इज द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस. क्लियर. नाउ आई टोल्ड यू देयर आर सम वर्ड्स, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो सिंगुलर फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं. Just most of the book is interesting. Most of the book is interesting. मतलब एक बुक के अधिकांश पेज इज इंटरेस्टिंग. अब सेम वे मोस्ट को हम आर लगा के भी करेंगे. मोस्ट ऑफ द बुक्स आर इंटरेस्टिंग मतलब बहुत सारे बुक रखे उसमें से अधिकांश इंटरेस्टिंग है. ओके, सो बुक है कि बुक्स है उस पर डिपेंड करेगा हम इज लगा रहे हैं कि आर लगा. ये सारे वर्ड्स ऑल. ओके, देन नन, एनी, सम. क्लियर. दीज आर द वर्ड्स जो सिंगुलर फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं. क्लियर. ओके, वंस अगेन यू कैन रीड विथ मी. सिंगुलर वन एवरीबॉडी इज, एवरीवन इज, एवरीथिंग इज, एनीबॉडी इज, नोबॉडी इज, ईच इज. नाउ इज जस्ट मैंने इज लगा के बताया, आपको फुल सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं. बोथ आर, सेवरल आर, फ्यू आर, मेनी आर, अदर्स आर. क्यों? क्योंकि ये सब प्लूरल है. नाउ सम वर्ड्स है जो सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज कर सकते हैं. मोस्ट, ऑल, नन, एनी, सम. ओके, नाउ नेक्स्ट सेक्शन वी विल गो टू द यूज ऑफ शुड. हैव यू एवर हर्ड, आपने शुड वर्ड सुना है? Yes, आप लोग सर हिला रहे हैं. सो आई नो दैट यू नो द वर्ड शुड. ओके, नाउ शुड को नेगेटिव फॉर्म में यूज करेंगे तो क्या होगा? नेगेटिव भी मैंने लास्ट टाइम शब्द बताया था ना. नेगेटिव मतलब क्या होगा? नॉट लगा के. ओके, शुड नॉट. शुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? शुडंट. क्लियर. शुड and shouldn't. Okay, now listen to me some sentences carefully. कहीं बाहर गए थे, बहुत थक गए हैं, so I am telling now I should sleep today. It is present tense, वर्तमान काल है ना. मैं बोल रही हूँ आज के दिन के लिए, मैं अपना प्लान बता रही हूँ. बहुत थक गई हूँ, so I should sleep today. Otherwise I'll be tired. Okay, उस सेंटेंस को हम लंबा कर सकते हैं और लॉन्ग एक्सटेंशन लगा सकते हैं. ओके, अब कल, आने वाला कल, टुमारो के लिए बोलना है तो आई शुड स्लीप वेल टुमारो बिकॉज आई हैव टू ट्रेवल. मुझे आगे सफर करना है तो आई शुड स्लीप वेल टुमारो. क्लियर. नाउ ये तो हो गया प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर, वर्तमान और भविष्य का. लेकिन यदि हमें पास्ट टेंस, प्रीवियस, बीता हुआ कल का बताना है, I should have, और sleep का जो third form है ना,
आप लोग छोटे क्लासेस में ही पढ़ना शुरू कर देते हैं ना, थ्री फॉर्म्स, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। ओके, सो आई शुड हैव स्लेप्ट, ये जो वर्ब है, जो क्रिया है, उसका थर्ड फॉर्म, इसलिए पास्ट टेंस में केवल थोड़े सा हमें स्ट्रेस ज्यादा करना है, बाकी प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वर्तमान और भविष्य का तो इसी है। I should study today. I should study well tomorrow. Hello? Anything, any word, any कोई भी word, कोई भी क्रिया के word को ले लीजिए और ऐसे sentences form कर दिए, वर्तमान और भविष्य simple है, लेकिन थोड़ा सा जो changes, थोड़ा सा जो difference है, that is in the past, भूतकाल में है, ठीक है। I should have slept yesterday. मुझे कल सोना चाहिए था, मुझे कल पढ़ाई करना चाहिए था। ओके, दैट इज शुड हैव स्लेप्ट, आई है इसलिए हैव। ओके, इट चेंजेस अलोंग विद द मेन सब्जेक्ट, ठीक है ना। मेन अभी हम लोग पास्ट या भूतकाल का फोकस करेंगे अभी। नाउ यू कैन रिपीट विद मी फ्यू सेंटेंसेस। आई शुड वर्क टूडे, प्लीज रिपीट आफ्टर मी। I shouldn't work today. Shouldn't means negative sentence हो गया। Okay? You should work today. You shouldn't work today. We should work today. We shouldn't work today. They should work today. They shouldn't work today. He should work today. He shouldn't work today. Now, ये तो हम केवल today के बारे में, tomorrow के बारे में। I should study tomorrow. I shouldn't study tomorrow. ऐसे नहीं कि मैम ने बोला कल नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं है। ओके, या यू शुड स्टडी टूमोरो, यू शुडंट स्टडी टूमोरो। सो इन दिस वे ये हुआ प्रेजेंट एंड फ्यूचर। नाउ कमिंग टू द पास्ट, है ना। पास्ट टेंस में याद रखना जो वर्ब है उसका हमें पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। कुछ नॉर्मल वर्ड्स के मैं बता देती हूँ आपको। डू, डू कॉमनली वर्ड है ना। डू, डिड, डन। गो, गो, वेंट, गॉन। ओके, जैसे ये सेंटेंस है, आई शुड हैव गॉन यस्टरडे, थर्ड फॉर्म यूज होगा। यू कैन रिपीट आफ्टर मी वंस मोर आई एम टेलिंग। डू, डिड, डन, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, थ्री फॉर्म्स। डू, डिड, डन, रिपीट आफ्टर मी। गो, वेंट, गॉन। ईट, एट, ईटन। Begin, began, begun. Okay? Forget, forgot, forgotten. So these are the some simple ones. Now इतने सारे words हैं English vocabulary में, सारे तो हम नहीं सिखा सकते video में, but you will be used to. जैसे हम आगे आगे बढ़ते हैं आप used to हो जाएंगे. Okay? Now सिर्फ two three sentences I will tell you. To talk about the past, she dash ये आपको फील करना है सेंटेंस। She dash arrived yesterday. इसको पॉजिटिव सेंटेंस। नाउ हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बता रहे हैं। ओके, बट पास्ट टेंस एस्टरडे के बारे में। शी शुड हैव, शी के साथ हैव होगा, अराइव, थर्ड फॉर्म अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड। ओके, अर्ली एस्टरडे। अब नेगेटिव में क्या होगा? शी शुडंट have arrived
early yesterday. Clear? Now one more sentence we will do. जितना आप बोलेंगे अभी हम क्या कर रहे हैं, शुड और शुडंट का यूज कर रहे हैं. प्रेजेंट और फ्यूचर में सिंपल है, ज्यादा चेंजेस नहीं है, सो इट्स इजी. ओनली पास्ट में हमें वर्क पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करना है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है. ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस वी कैन डू. दे डैश स्पेंड सो मच. इसको पास में करना है. सॉरी, दे शुड हैव स्पेंट का स्पेंट स्पेंट स्पेंट. दे शुड हैव स्पेंट सो मच. अब नेगेटिव करना है तो दे शुडंट हैव स्पेंट सो मच. नेगेटिव में जस्ट ऑपोजिट मीनिंग. नाउ दैट पोर्शन इज ऑल्सो ओवर. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. हम एक सिंपल सीखेंगे दैट इज हाउ कैन यू आस्क अ पोलाइट क्वेश्चन. आप पोलाइटली कैसे किसी से प्रश्न कर सकते हो, एकदम रफली नहीं, अच्छे गंदे फॉर्म में नहीं, पोलाइटली. नो, क्वेश्चन वर्ड्स में मेन होता है कैन कुड एंड मे. कैन कुड मे. ओके, कैन नॉर्मली इनफॉर्मल. इनफॉर्मल का मतलब है नॉर्मल, हमारे काम चालू भाषा में ऐसे नॉर्मल हम किसी से फ्रेंड्स से बात करें तक. कुड नॉर्मली यूज करते हैं हम सेमी फॉर्मल, मतलब बहुत ज्यादा ऑफिशियल भी नहीं, बट जैसे दुकानदार से बोल रहे हैं, गेट कीपर से बोल रहे, तो सेमी फॉर्मल. हम जैसे दोस्त से बात करते हैं वैसे शॉपकीपर से तो बात नहीं करते ना, है ना. मे जो वर्ड है दिस इज फॉर्मल. ये ऑफिस में, स्कूल्स में, टीचर्स से, हेडमिस्ट्रेस से, प्रिंसिपल से, या सच पर्सन्स, ठीक है, तो वो हो जाएगा मे. नाउ आपके मम्मी अकेले काम कर रही है, खूब सारे बर्तन है, शी इज वॉशिंग. सो आप जाके क्या पूछोगे, कैन आई हेल्प यू विद द डिशेस, है ना. मम्मी से पूछो कैन आई हेल्प यू विद द डिशेस. ओके, नाउ यहां सेमी फॉर्मल में कुछ कुछ प्लेसेस ऐसे कैन कुड दोनों हम यूज कर सकते हैं, ठीक है. नाउ कुड आई गेट योर ईमेल आईडी, आप अपने फ्रेंड को पूछ रहे हैं, या कोई शॉपकीपर है आपको कुछ भेजना है उनको मेल, तो आप पूछ रहे हैं कुड आई गेट योर ईमेल आईडी, कैन आई गेट योर, बोलती क्योंकि वो आपसे बड़े हैं, है ना, एज में बड़े हैं, तो थोड़ा सा हमें रेस्पेक्टफुली बात करना है. कुड आई गेट योर ईमेल आईडी, ठीक है. बट फॉर्मल, जैसे आप मॉल्स में जाते हैं तो आप देखेंगे लोग खड़े रहते हैं, अटेंडेंस बोलते हैं मे आई हेल्प यू, मे आई कैरी योर बैग्स. वो क्यों बोलते हैं, आपका और उनका रिश्ता तो जस्ट एक सेकेंड का होता है, लेकिन वो दैट इज रेस्पेक्टफुल वे. वो एक तरीका है, ऑफिशियल तरीका है, फॉर्मल तरीका है बोलने का. ओके, नाउ सपोज योर टीचर गिव सम होमवर्क और आपको टाइम दिया गया था कि नेक्स्ट मंडे आपको सबमिट करना, ठीक है. लेकिन मंडे आ गया और आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, सो आप अपने मैम को जाके कैसे बोलोगे, मैम मैं प्लीज सबमिट माय होमवर्क ऑन ट्यूजडे, या मैम मैं प्लीज सबमिट माय होमवर्क ऑन वेनेसडे. ओके, नाउ सपोज इन योर हाउस, आपके घर में विंडो इज क्लोज एंड सफोकेशन हो रहा है, तो आपको सफोकेशन हो तो आप पूछ रहे हो अपने ब्रदर सिस्टर से कैन आई ओपन द विंडो, क्योंकि कोई आगे बढ़ के नहीं खोल रहा है, तो कैन आई ओपन द विंडो. ओके, सो इन दैट वे आपको जो है क्वेश्चन वर्ड्स कैन कुड में, जहां फॉर्मली है, जहां ऑफिशियल प्लेसेस है, स्कूल, वहां पे हम बड़ों से बात कर रहे हैं, यू विल यूज द वर्ड में. कैन इज इनफॉर्मल, यू टॉक टू योर फ्रेंड्स. एंड इवन कुड वर्ड सेमी फॉर्मल, आप अपने पेरेंट्स से बात करें तो यू कैन यूज द वर्ड कैन और कुड. कुछ कुछ प्लेसेस में कैन भी एप्लीकेबल है, कुड भी एप्लीकेबल है, सो यू कैन यूज बोथ द वर्ड्स एट दोस प्लेसेस. क्लियर? नाउ वन मोर टू एग्जाम्पल्स मोर आई कैन गिव यू. आप मम्मी से बोल रहे हैं कैन यू प्लीज हेल्प मी ड्रॉ दिस पिक्चर,
और मम्मी कुड यू प्लीज हेल्प मी, बोथ आर करेक्ट, ओके, बट सपोज यू वांट सम परमिशन टू गो फॉर एक्सकर्शन, है ना, कुछ एक्सकर्शन में जाना है, पिकनिक में जाना है, तो आप रफली तो नहीं बोलते हो ना अपने पेरेंट्स को, क्योंकि आपको अपना काम निकालना है. सो हाउ डू यू से, मम्मा पापा मे आई प्लीज गो फॉर एक्सकर्शन, क्यों, तो ऑफिशियल नहीं है, बट स्टिल योर फादर इज एल्डर, आपसे बड़े हैं, इज अ रेस्पेक्टेबल पर्सन. बट नॉर्मली जब हम पापा से बात करते, मम्मी से बात करते, आंटी से, वी आर नॉर्मल, है ना, हम कैन कोड यूज करते हैं, बट वेन यू नीड समथिंग, वेन यू आर इन नीड और हमें उनसे बात करना है, हमसे बड़ों से, तो हम में यूज कर सकते हैं. ओके, सो दीज आर द थ्री मेन वर्ड्स विच आर यूज टू आस्क पोलाइट क्वेश्चंस. अंडरस्टूड? सो यू कैन फॉर्म सम मोर क्वेश्चंस, आस्क एट होम, आस्क व्हेन यू मीट योर फ्रेंड्स, आस्क व्हेन यू गो टू स्कूल. ओके, आपको कोई जबरदस्ती फोर्सफुली कोई इंग्लिश में बात नहीं करवा सकता. यू शुड हैव द डिजायर, आप खुद स्टार्ट कीजिए, देन यू विल डू इट. नेक्स्ट लास्ट पार्ट ऑफ टूडेज वीडियो, एज यूजल जैसे हम हमेशा करते हैं, कुछ प्रोनाउंसिएशन है आज हम, लेकिन कुछ डिफरेंट वे में करेंगे. ओ एन वर्ड का यूज हो रहा है, लेकिन इस ये जो वर्ड है इसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट वेज में होता है. कहीं ऑन बोलते हैं, ऑन के फॉर्म में होता है, कहीं अन के फॉर्म में होता है, कहीं इन के फॉर्म. ओके, सो जस्ट वी विल गो थ्रू द सिंपल, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स लेने की जरूरत नहीं, जो हमारे डेली यूज में होता है, वी विल फोकस ऑन दैट. सबसे अभी आज के समय में सबसे ज्यादा हम ऑन वाला कौन सा वर्ड यूज करते हैं? ऑनलाइन. ऑनलाइन नहीं बोलते हैं, इट्स ऑनलाइन. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, ये वर्ड भी आपने सुना होगा, Amazon. Amazon नहीं बोलते, Amazon बोलते हैं. नेक्स्ट, नाउ यहां पे बिगनिंग में था तब भी ऑन की आवाज है, एंडिंग में है तो भी ऑन की, तो इसलिए इट्स नॉट नेसेसरी कि एंडिंग में है तो डिफरेंट साउंड होगा, ऐसे नहीं है. सन, अन, ओके, अन वॉइस जो है ये सन में अन आवाज आ रही है, क्लियर. नाउ दूसरे कॉमन वर्ड रीजन, सेम वे, ओ एन लास्ट में, इधर भी अन की आवाज आ रही है, रीजन, क्लियर. देन वन मोर कॉमन वर्ड विल टेक मिलियन, अन, सन आवाज आ रही है एस यू एन जैसे, रीजन मिलियन. ओके, नाउ सम मोर कॉमन वर्ड्स जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, एक्शन, एन एक्शन. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द वर्ड्स विथ ओ एन बट डिफरेंट साउंड्स, किसी में ऑनलाइन, एमेजॉन, सन, इन दोनों में ऑन की आवाज आ रही है, ऑनलाइन, एमेजॉन, एमेजन नहीं बोलते, एमेजॉन, एक्शन, एक्शन, एक्शन नहीं बोलते, एक्शन. ओके, सो लाइक दिस द वर्ड्स विथ ओ एन आर प्रोनाउंस डिफरेंटली, दिस आर सम ऑफ द कॉमन वर्ड्स. ओके, सो आई होप यू एंजॉय द वीडियो विथ डिफरेंट थिंग्स. नाउ क्वेश्चन फॉर्म्स यू कैन कीप ऑन आस्किंग, एंड वेन यू गेट द आंसर, क्वेश्चन पूछना खाली नहीं, आंसर भी आप खुद ही बोल के देखिए. ओके, आई लेफ्ट माई पर्स हियर बाय मिस्टेक, सो योर फ्रेंड विल कम एंड टेल, ओ सॉरी आई टुक इट फॉर माई सेल्फ, सॉरी मैंने सोचा कि मेरा है, बिल्कुल सेम था पर्स, सो सॉरी आई टुक इट. ओके, सो यूज ऑफ प्लीज एंड सॉरी, ये जो है हमारे कम्युनिकेशन में बहुत जरूरी है, दीज आर द पोलाइट वर्ड्स, क्लियर. सो हाउ दिस विल गेट, जब हम ज्यादा बात करेंगे इंग्लिश में तो हमारे यूसेज में प्लीज, सॉरी, मे, ये सब अपने आप आ जाएगा, उसे हमें फोर्सफुली यूज करने की जरूरत नहीं होगी. ओके, सो लेट्स एंड टूडेज वीडियो विद दिस, होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय.